प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। आजादी के बाद ही 23 के एक और मेंबर का इस्तीफा। तेलंगाना के पूर्व सांसद ने छोड़ी कांग्रेस, पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल को बताया। आजाद के बाद मनीष तिवारी के बगावती तेवर, बोले मैं कांग्रेस में किरायेदार नहीं, हिस्सेदारी दिल्ली में। गुलाम नबी से मिलने पहुंचे आनंद शर्मा। पंजाब भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी, जाखड़ समेत पूर्व मंत्रियों को अहम जिम्मा, पीएम से मीटिंग में उठाई मांग, प्रधान भी बदलेगा। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा कुएं में कूदकर मैं नहीं जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। गुलाम नबी आजाद के आवास पर पहुंचे जी 23 के नेता, CWC बैठक में छाया रहेगा इस्तीफे का मुद्दा। केरल में 50% ही बची हाथियों की संख्या, बढ़ रही है क्रूरता। 2008 में 900 बंदी हाथी थे, अब केवल 448 ही बचे। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी और कांग्रेस पे तंज, कहा गुलाम साहब अभी हुए आजाद, अमेठी 3 साल पहले हुई आजाद। अटल ब्रिज के उद्घाटन के बाद सीधे गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी, मां का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी का गुजरात दौरा का दूसरा दिन, भुज में पीएम मोदी ने रोड शो के साथ स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का किया उद्घाटन। देश में कोरोना के मामले में आई गिरावट, 24 घंटे में 9,436 केस, एक्टिव मामले में 86,000 के पार। मौत से पहले सोनाली फोकट को क्लब में जबरदस्ती पिलाई गई थी शराब, CCTV फुटेज में आया सामने। पीएम मोदी ने चलाया चरखा, खादी का एक एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बने गुलाम को जंजीरों से तोड़ दिया गया। आजाद के इस्तीफे के एक दिन बाद खड़गे बोले राहुल ही कांग्रेस अध्यक्ष बने, इसके लिए हम दबाव भी डालेंगे, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं। अमित शाह बोले अब प्रदेश में NIA CG में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। भूपेंद्र ने कहा झीरम की जांच अधूरी। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा दिल्ली के सरकारी स्कूल में शानदार काम हुआ लेकिन भाजपा से बंद कराना चाहती है। भाजपा नेता और सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, DJ बजाने को लेकर हुआ था विवाद, नाराज BJP कार्यकर्ता थाने पहुंचे। कबाड़ से सजेंगे मेरठ के 6 चौराहे, मेरठ नगर निगम गांधी आश्रम चौराहे पर सफल हुआ प्रोजेक्ट, आयरन स्क्रैप से बनाया फवारा। मुजफ्फरनगर जिला जेल में 3 गुना से अधिक बंदी सजा याफ्ता, 40 बंदी बरेली शिफ्ट करने से भी समाधान नहीं। गाजियाबाद के मोदी नगर में सड़क हादसे में 2 इंजीनियरों की मौत, 2 घायल, कार को वाहन ने मारी टक्कर, रोहतक से हरिद्वार जाते समय हादसा।
कानपुर में कॉल सेंटर संचालक को गोली मारी, 5.5 लाख की लूट। कानपुर में रिश्तेदारों से रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, जान में जुटी पुलिस। औरैया में विचित्र पहल, सेवा समिति ने किया पौधारोपण, बच्चों के नाम से किया गया पौधारोपण व नामकरण, देखभाल का लिया संकल्प। आगरा में एटीएम तोड़ने पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, कैश बॉक्स खोलने के प्रयास करते पुलिस ने पकड़ा, पिटाई के बाद पहुंचाया हवालात। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधायक ने बाढ़ का लिया जायजा, मंत्री के बाद बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर कसा तंज, कहा राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद नहीं। मैनपुरी में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 50,000 का लगा जुर्माना, 2018 में किया था किशोरी के साथ रेप। हमीरपुर में 90 गांव बाढ़ से प्रभावित, निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री राकेश सचान, बोले किसानों का हुआ बड़ा नुकसान, मुआवजा दिलाने की कही बात। मिर्जापुर नाव पर लगी आग, नाविक बना का गोला, मछली मारते समय हाईटेंशन तार का चपेट में आया, नाविक गिरा पानी में, तलाश जारी। मुरादाबाद में डिस्को डिजाइन को एक्सपोर्ट की सील खोलकर आईएएस हुगली ट्रांसफर के बाद 12 कर्मचारियों को नौकरी दी। बदायूं में बुजुर्ग को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती ट्यूबवेल की रखवाली करने गए थे बुजुर्ग, 2 दिन पहले हुआ था झगड़ा। चंदौली में दुष्कर्मी को 12 साल की सजा, 10,000 रुपए लगा जुर्माना, 4 साल पहले किशोरी के साथ किया था रेप। फरुखाबाद में सीएमओ सहित 3 कोरोना पॉजिटिव, रोज 900 लोग की हो रही है जांच, 45 केस एक्टिव। अंबेडकर नगर में 5 पुलिसकर्मी निलंबित, ढाबे पर खाने के पैसे मांगने पर सिपाही हुआ, ढाबा मालिक में हुआ था विवाद। उन्नाव में गंगा के जलस्तर में 23 सेंटीमीटर की हुई बढ़ोतरी, निचले इलाके में सरहद में पहुंचा पानी, बाढ़ केंद्र का ताला खुला। गाजीपुर में 295 विद्यालय अब तक नहीं हो पाया ध्वस्तीकरण, 403 बेसिक स्कूलों को किया गया था जर्र घोषित। फिरोजाबाद में अब सड़क पर खड़े नहीं होंगे ऑटो, ऑटो चौराहा और कोटला चुंगी पर बन रही है पार्किंग, टुंडला से राजा का ताल तक जाएंगे। बदायूं में सपा जिलाध्यक्ष पर रुपए लेने का आरोप, टिकट दिलाने के नाम पर लिए 10 लाख, सीएम से शिकायत। बागपत में दबंगों ने छात्र पर बोला हमला, छात्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में कार बाइक की टक्कर, 5 की मौत, कार डिवाइडर से टकराई, 4 बार पलटी। बाराबंकी में कंपोजिट विद्यालय से कक्षा 7 का छात्र हुआ गायब, दोपहर में लंच के बाद ढूंढता रहा छोटा भाई। छात्रों को गांजा सप्लाई करने वाले 3 गिरफ्तार, मेरठ और आसपास के जिलों में ऑन डिमांड सप्लाई करते थे गांजा। बस्ती में पुलिस की गाड़ी से हुआ दूसरी कार की टक्कर, युवक को दबाव में लेने के लिए सरकारी गाड़ी को तोड़ती दिखी पुलिस।
गंगा यमुना में उफान से लोगों का फलाएं, लगातार बढ़ते जलस्तर से कानपुर में बाढ़ का खतरा मंडराया, 537 गांव बाढ़ में डूबे। हरदोई ट्रैक्टर हादसा, दो लापता, चार की मौत, नदी में दोनों ओर 5-15 किलोमीटर तक लगाया गया जाल। फतेहपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, कानपुर बांदा मार्ग पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद, दो दर्जन गांवों में घुसा पानी। फतेहपुर के खेत में निकला 7 फुट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, जंगल में छोड़ा, बाढ़ का पानी आने से निकल रहे हैं सांप। हिस्ट्री सीटर चाचा भतीजे ने की छात्र की हत्या, बाइक टकराने पर छात्र ने घुसा मारने से आया था गुस्सा, मार दी गोली। उत्तराखंड में ससुराल बनी दामाद की साजिश में मददगार, यूके SSSC में पेपर लीक में मास्टरमाइंड हुआ पर्दाफाश। उत्तराखंड में हैवान बना प्रेमी, शादी का दबाव बना रही थी प्रेम का, दोस्तों के साथ मिलकर दी खौफनाक मौत, शव देख बिलखते रहे परिजन। उत्तराखंड के रुद्रपुर सिटगुल के बिटानिया कंपनी में लगी भीषण आग, SDRF ने किया राहत और बचाव कार्य। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी आपदा पर आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग आमने सामने, एक दूसरे को ठहराते रहे जिम्मेदार। उत्तराखंड के सीएम ने लिया शंकराचार्य का आशीर्वाद, भगवानपुर ने किया फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का शुभारंभ। उत्तराखंड में किशोरी से हवानिया रिश्तेदार में लड़की का अपहरण कर गेस्ट हाउस ले गए, बदमाश नशीले पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म। उत्तराखंड में विधायक पर हमला, कोतवाली में धरने पर बैठे आदेश चौहान और समर्थक, कहा भाजपा षडयंत्र के तहत करना चाहती हत्या। उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय, देहरादून समेत 6 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। उत्तराखंड में 10 वर्ष से चल रहा था युवकों को छलने का खेल, बेची जा रही थी सरकारी नौकरियां। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर बोला हमला, कहा भाजपा सरकार में बेरोजगारों को दिया धोखा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा विधानसभा में नियमानुसार अस्थायी तौर पर हुई थी भर्तियां। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ेगा सामग्री के ढुलान का व्यवहार। उत्तराखंड के रामनगर में फोटोशूट करने निकले 5 छात्र लापता, पुलिस इंदौर बता रही है लोकेशन, स्वजन हैरान। उत्तराखंड में गुरुद्वारा दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक टाली को ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत, कई घायल। विधानसभा भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सीएम पुष्कर धामी का बड़ा बयान, UKS SSS में भर्ती घोटाले में कार्रवाई की जाएगी। फिलीपींस में जहाज में लगी आग, वीडियो वायरल, जान बचा के समुद्र में कूदे यात्री, 38 क्रू मेंबर समेत 87 लोग सवार।
चीन ने श्रीलंका में उगला जहर, भारत ने पहली बार ड्रैगन के दुखती रग पर किया प्रहार, बोलती बंद की। यूनिसेफ की चेतावनी, महंगाई के कारण नियमित भोजन छोड़ रहे हैं लाखों श्रीलंकाई, कुपोषण ने बढ़ाई चिंता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इमरान खान पर साधा निशाना, कहा पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति करने में व्यस्त। यूएनजीए के अध्यक्ष दो दिवसीय भारत दौरा कल, उपराष्ट्रपति समेत कई शीर्ष नेता से करेंगे मुलाकात। भारत ने चीन को लताड़ लगाई, कहा श्रीलंका को मदद की जरूरत, एजेंडा ना चलाएं, चीनी राजदूत का कमेंट, राजनीति शिष्टाचार का उल्लंघन। रूस आओ पैसा पाओ, पुतिन का यूक्रेन छोड़ने वालों को मदद का ऐलान, हर महीने मिलेंगे 13,500 रुपए। लीबिया में दो प्रतिद्वंदी मलेशिया के बीच खूनी झड़प, 23 की मौत, 140 घायल, देश में फिर लौट रही है हिंसा। पाकिस्तान में बाढ़ के कहर से 1,000 लोगों की मौत, 50 लाख लोग झेल रहे हैं प्लेग का दंश, बहे 6 लाख घर। रूस युद्ध नहीं रोक सकता है, बढ़ते यूक्रेन नाटो का सपना छोड़ दें, पुतिन के खास की दो टूक चेतावनी। दो हजार 25 तक 6 गुना शक्तिशाली होंगी नई बैटरियां, ईवी कारें 15 मिनट चार्ज करने में 1,000 किलोमीटर चलेंगी, ताशी गड्डी जितनी होगी बैटरी। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदा सबसे महंगा घर, पाम जुमेरा के बीच साइड विला में रहेंगे अनंत अंबानी। आईफोन 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी, सेकुलर कवरेज के बिना कॉल्स और मैसेज कर पाएंगे। घरेलू बाजार में फिर से पकड़ मजबूत करेगी मारुति, 50% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य। यूपीआई सेवाओं का शुल्क लगाने का अभी सही समय नहीं, वित्त मंत्री बोले इससे हो रहा है जनता का लाभ। मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए मिटेल चैलेंज में भाग लेने का मौका, विजेताओं को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपए का भुक अनुदान। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अफगानिस्तान में क्रिप्टो पर सख्ती, पुलिस ने बंद करवाए एक्सचेंज, बैंक ने जून के फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेंडिंग पर लगाई रोक। पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस में उतरेगी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जल्द शुरू होगा कारोबार। शेयर इंडिया सिक्योरिटी ने शुरू की नई साझेदारी, खुदरा निवेशकों को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। आदिल रसेल का कोराम, 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के लगाकर लूटी महफिल, गेंदबाजों को जमकर कूटा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पहले ऋषभ पंत की सुनामी, विरोधी खेमे में मची खलबली।
जेम्स एडरसन ने रचा इतिहास। 40 साल की उम्र में मैकग्राथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेटर को चौंकाया। दस विकेट की जीत के साथ साउदर्न वेव नॉकआउट में स्मृति मघाना ने 97 रन बनाकर जिताया मैच। भारत को जीत का देवदार बता रहे हैं 80% एक्सपर्ट। शेन वॉर्न बोले, इस मैच का विजेता ही एशिया कप का चैंपियन होगा। रोहित ने बाबर से पूछा, शादी कब करोगे? आजम ने कहा, अभी नहीं, महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी फैंस से भी मिले हिटमैन। एशिया कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान के श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। रहमानुल्लाह कुरबाज ने 18 गेंद में बनाए 40 रन। मैदान पर झूठा जोश देख रहे थे विराट, कहा 10 साल में पहली बार एक महीने तक बैट नहीं छुआ, दिमाग ब्रेक मांग रहा था। मेगा मुकाबले से पहले टीम रोहित को मिला टॉनिक, कोविड से उबरकर द्रविण दुबई की टीम के साथ जुड़े। बेबी ऐप ने की छक्कों की बारिश, गेंदबाज की आई शामत, 309 स्ट्राइक से रन बनाकर मचाया कोहराम। प्रियंका ने दिखाई मालती की क्यूट छलक, बेटी के साथ ससुराल गेंदा फूल सॉन्ग एंजॉय करती दिखी देसी गर्ल। सारा अली खान ने किया इंटेंस वर्कआउट, फिटनेस देख फैंस हुए इंप्रेस, जिम में जमकर बहाया पसीना। अक्षय कुमार की सेल्फी ओटीटी पर होगी रिलीज, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की पार्टनरशिप बाय काम 18 से हुई। ऋतिक रोशन ने पब्लिक प्लेस में छुए फैंस के पैर, टोलस बोले, विक्रम वेधा को कोई बाइकॉट नहीं करेगा। फरहान खान ने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में तोड़ी प्लेट्स, फैंस बोले, जब आपके पास बहुत सारा पैसा बर्बाद करने के लिए हो। शहनाज गिल ने गाए नेहा कक्कड़ का गाना, गाना सुनते फैंस को आई सिद्धार्थ शुक्ला की याद। कुणाल अर्पिता की प्री वेडिंग में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब, सामने आई पार्टी की फोटोज, 28 अगस्त को करने जा रहे हैं शादी। फिटनेस दिखाते नजर आए टाइगर श्रॉफ, हाई किक देखकर फैंस बोले, आपने कैसे किया हमें भी सिखाइए। ट्रिपल आर का बीटीएस वीडियो आया सामने, आखिर कैसे शूट हुआ था शेर और जूनियर एनटीआर का फाइटिंग सीन। बॉर्डर पे दिखा अनोखा नजारा, एलओसी पर सिद्धू मूसेवाला के गानों पर भारत पाकिस्तान के जवानों ने किया भांगड़ा। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।